जिन्हों कोई भी आवाज मारे कोई भी असि कदे लंगर तो मनाई नहीं की। चरूनी साहब भी सानू फोन करते रहे है, सानू पटियाले तो डॉक्टर हरबंस सिंह की ना वो भी फोन करते रहे है, दर्शन पाल जी सानू सारे जेड़े संयुक्त बोर्ड से संबंधित जथेबंदियां सबना ने ही फोन किए है। कोई ने क्या टॉयलेट्स बना दो, कोई ने क्या वाटरप्रूफ टेंट लगा दो, किसी ने क्या लंगर ला दो, किसी ने बिस्तरे मंगाए, किसी ने कुछ किया, असि कभी ना नहीं की। एक मिनट अगली गल सुनो ना, इवन ना नहीं चाहिए। फिर की हो गया, पाप हरी फैल च सुखबीर सिंह बादल साहब ने फोन किया, शाम रात का 11 बजे सी साडा गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा सी। कहण दा भाव मेरा ये वीडियो मेरी ना सेहत डाउन सी, अज असी करनाल भी पहुंचना सीगा, मैं बीमार बहुत हो गया सीगा, पर मेरी ये गल करनी जरूरी सी लोकां दे नाल। बेशक जेडे समझदार लोग ने वो समझ जाणगे, जेडे मन के चल जिन्हां दे अखां दे पर्दा पिया हुआ जेडे भगत ने गे वो इस गल नूं नहीं समझ सकणगे जेडे पराली दल दे भगत ने गे। पर कहण दा भाव यह है भी किन्ने लोग इह जेडे लोग ने गे जेडे राजनीतिक खास करके श्रोमणी अकाली दल, किन्ने जेडी इह गुरु घर दे नाते राजनीति करदे ने गे, राज गुरु घर के नाते रोटियां सेकते हैं, गुरु घर के नाते किड्डी बड़ी राजनीति की जा रही है। दो झूठ ये बीबा जगीर कौर बोल गई, दो झूठ। नंबर एक दा चरूनी कदे फोन नहीं कर सकता, नंबर दूजी गल कहते मैंने सुखबीर बादल ने फोन कर आपदे कोलों जी मैं गल बना ला। मैंने एक गल दसो भी इना झूठ, इना झूठ तफान गुरु घर के नाते क्यों बोल रहे हैं? बहुत सारे लोग गल्लां करते हैं साडा असी अपना पंथ के नाते। मैं कहना भी सब तो जरूरी है इस टाइम जो तुसी अपनी सिख कौम नूं बचाउणा श्रोमणी कमेटी नूं आजाद कराउणा। श्रोमणी कमेटी के जिहड़े प्रधान ने गे इन्हां दे कहण ते प्रधान लगदे ने गे, श्रोमणी कमेटी का राजनीति नाल कोई संबंध नहीं होना चाहिए। श्रोमणी कमेटी का जिहड़ा राजनीति नाल कोई संबंध नहीं होना चाहिए वह बंदा जिहड़ा विधानसभा लोक सभा दीआं वोटां जिहड़ियां पंजाब दीआं वोटां नेगीआं पार्लीमेंट दीआं वोटां ने विधानसभा दीआं वोटां ने वह वोटां दे विच नहीं होना चाहिए जिहड़ा श्रोमणी कमेटी का प्रधान है। खास करके श्रोमणी कमेटी का पहला सीगा गोविंद सिंह लौंगोवाल, वह भी MLA रहा हुआ है, हुण इस तों बाद जो फिर भी टिकट हो लड़ूगा लौंगोवाल तो, हुण बीबी जगीर कौर लाई हुई है, इस तों पहला लाया हुआ सीगा अपना वह पटियाले वाला की मैं तुहानूं भुल जाना वह लाया हुआ सीगा प्रधान। भी जिहड़े भी प्रधान लगते हैं श्रोमणी कमेटी के, पहली गल तो वह बादलों के जिहड़े MLA ने गे वह लगते हैं, जिहड़े बादलों के श्रोमणी कमेटी के विच MLA रहे हुए ने वह श्रोमणी कमेटी के प्रधान लगते हैं। इस करके भीरो किन्नी जिहड़ी साडी साडी मनुखता मानवता दा सांझे गुरु घर ने, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सारी मनुखता दे सांझे गुरु ने गे, उस गुरु घर दे नाते किड्डी वड्डी लोग सियासत कर रहे ने। हर एक थां ते जिथे भी सुखबीर बादल कोई भी श्रोमणी कमेटी कार्ज करदी आ सुखबीर बादल उत्थे मूहरे खड़ा हुंदा है। की यह ब्रांड अंबैसडर है? किसी चीज का ब्रांड अंबैसडर थोड़ू है, जिवें आपां किसी चीज का ब्रांड अंबैसडर बनाया हुंदा किसी कंपनी का उहदे विच उहनूं लिया के मूहरे खड़ा आंदे ने वी आह हीरो इस कंपनी का ब्रांड अंबैसडर है। सुखबीर बादल कोई भी श्रोमणी कमेटी का कार्ज होता उत्थे मूहरे खड़ा हुंदा, पैसा श्रोमणी कमेटी का लोगों का पैसा सुखबीर बादल मूहरे खिंच के क्यों फोटो खिचा रहा है? सुखबीर बादल ही यह गल क्यों कह रहा है भी श्रोमणी कमेटी मेरे फोन से कहण ते ही लंगर गुरु घर के विच मिलेगा, वैसे लंगर नहीं मिल सकता। यह गल सोचने वाली है पंजाबीओ। सब तो जरूरी है इस टाइम जे तुसी कहो ना अपनी अपनी कौम नूं सिख कौम नूं, जो हुण बार बार जिहड़े धड़े बने पए ने सिखां दे विच साडे हर एक लड़ाइयां हुई ने छोटियां छोटियां, है ना। मैं कहना भी सब तो पहला थोड़े लई जरूरी है श्रोमणी कमेटी ते काल तख्त साहिब आजाद करवाउणा, उत्थे निधड़क जिहड़ा किसी भी पक्ष की गल ना करे उह उत्थे उस श्रोमणी अकाल तख्त साहिब दा प्रधान होना चाहीदा है। उह जिहड़ा किसी भी किसी मन के चल राजनीतिक जां किसी दी भी होर गल ना करे, सिर्फ और सिर्फ श्रोमणी कमेटी दे कार्ज दी गल करे, उह श्रोमणी कमेटी दा प्रधान होना चाहीदा। अच्छा फिर मैं एक सवाल पुछना चाहुंदा श्रोमणी कमेटी नूं, सब तो वड्डी गल इह है अज साडे, मैं अपने खुद अपने पिंड दी गल करदा, साडे पिंड दे विच 3-4 गुरु घर नेगे, तीन गुरु घर तां इधर ने, चौथा साडे पिंड दे विच सड़क दे गुरु घर बणिआ पिआ। भी जिहड़े साडे पिंड दे विच इन्ने पिंडां दे विच गुरु घर बणे पए ने, हर एक पिंड दे विच एक गुरु घर होना चाहीदा। एक साडे पिंड दे विच गुरु रविदास जी, ते दूजा साढ़े दशमेश सागर, ते तीजा श्रोमणी कमेटी वाला, चौथा साढ़े एक सड़क ते होर गुरु घर बने। भी जे एक गुरु घर होवे, हुण गुरु घर की जे मैं गल करा, गुरु घर के विच बई कोई भी मैं देखा भी कोई भी गुरु घर के विच सवेरे अरदास करता भाई जी, शाम नूं अरदास करता, पंज किस च दो बंदे हुंदे ने, किस च पंज आंदे ने मत्था टेकण। गुरु घर के लोक गुरु घर नाल लोकां दा प्यार ही टुट्टा पिआ, लोग डेरापादी नाल जुड़े जांदे ने, डेरां नाल जुड़े जांदे ने लोक, सिख पंथ तों लोक टुट्टी जांदे ने। हुण जिहड़ा साडे पिंड दे विच गुरु घर गुरु रविदास जी ते अलग होण दा की कारण है? एक तां साडे घर साडे पिंड दे विच गुरु घर कहा जांदा वी इह तां रविदास जी सिंह ने, दूजा जट्टां वाला गुरु घर कहा जांदा।
गल ये भी लोगों नू धर्म दे नाल जोड़न दी बजाय लोगों नू तोड़िया जा रहा है। मैं रोज जो भी मैं गुरु घर जाना, गुरु रविदास जी वाले गुरु घर के जाके रोज नमस्तक हो गया, उत्थे जाके मत्था टेकी दा, तां कि भी जिहड़ा जातां पातां दे विच तां सानू गुरु साहब ने कढ़िया है, इत्थे जातां पातां दे विच आपां फिर फसी जाने हैं। कित्थे जिहड़े इह कारज ने गे इहो जिहे जिहड़े कारज श्रोमणी कमेटी करे वी हर इक पिंड दे विच इक गुरु घर होवे। गुरु घर तां थां थां ते बण गए है, इहो जिहे दा काम कर नहीं रहे। बीबी जगीर कौर वर्गियां जिन्हां नूं कोई डक्का कख पता नहीं, वह प्रधान चक्के लातियां, जिन्हां ते एडे केस चलदे ने उह प्रधान लातियां, की हो रहा वीरो? इस गल नूं जरूर मेरे खास करके मैं बेनती करदा, इस गल ते जरूर अमल करियो, असर करियो। मेरे तां देखो बाल नहीं रखे, मेरे कोई पग नहीं बनी, मेरे कोई कटिंग है, मेरी दाढ़ी भी कटिंग है, पर जो मेरा गुरु घर नाल प्यार है मेरा गुरु जाणदा जा मैं जानता, वह सानू पता। भी मैं कहना भी इस चीज से सियासत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सानू श्रोमणी कमेटी आजाद कराने की लड़ है, तो अकाल तख्त साहब जथे अकाल तख्त साहब आजाद कराने की लड़ है। इन्हों के हथाचों कढ़ना चाहिए, बादलों के हथा चो, कि जी सा सिख कौम प्रफुल्लित हो सकती है, नहीं अपने जो छोटे मोटे जड़े धड़े बंजे ने सारे धड़े कट्ठे होकर इस चीज़ को जरूर याद कराओ। धन्यवाद जी।